हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आईआईटी मंडी के बारे में बात करेंगे। तो आईआईटी मंडी कहाँ पर है? तो आईआईटी मंडी हिमाचल में है। ओके, हिमाचल प्रदेश। तो आईआईटी मंडी ना सबसे बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल प्यारा सा कैंपस है। तो मैंने कभी विजिट नहीं किया, यूट्यूब में देखा था उस कैंपस का वीडियो। और एक बार तो स्नोफॉल होता है साल में वहाँ पे। ओके, स्नोफॉल होता है, ओ माई गॉड। ओके, जो भी है, बट आज जिसके मतलब जिस चीज को लेके मैं बात करूंगा वो है क्या है प्रोग्राम का नाम, क्या याद नहीं है। ठीक है, चलो, डेवलपमेंट स्टडीज, राइट। तो डेवलपमेंट स्टडीज के बारे में बात करेंगे। तो वो क्या है ना, अभी तक एप्लीकेशन नहीं आया है। ठीक है, स्टूडेंट्स आर लाइक दे आर सर्चिंग वायर इज द एप्लीकेशन लिंक। तो एक स्टूडेंट ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, सर देयर इज नो एप्लीकेशन लिंक। सो मैंने बोला ठीक है, मैं तो चेक कर लेता हूँ। तो मैंने देखा सच में वो नहीं है, अभी भी मतलब एप्लीकेशन एक्टिव नहीं हुआ है। बट वहाँ पे मास्टर्स के लिए लाइक एमएससी के लिए फॉर्म निकला है, एंड एमटेक के लिए भी फॉर्म निकला है, एमटेक एमटेक रिसर्च। ओके, तो अभी तक एमए प्रोग्राम के लिए अभी तक फॉर्म नहीं निकला है। ठीक है, ये बात है। दूसरी बात क्या है, यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, तो आई विल शो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग एमए इन डेवलपमेंट स्टडीज एट आईआईटी मंडी। ओके, तो यहाँ का जो प्रोग्राम है, दो चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये लोग यहाँ पे ना दो मैंडेटरी चीज है, एक रिटन टेस्ट, एक इंटरव्यू। इंटरव्यू का वेटेज है 60%, और सॉरी रिटन टेस्ट का वेटेज है 60%, 40% वेटेज है इंटरव्यू का। तो ये सारे चीज एक बार देख लेना चाहिए, यहाँ पे कैसा प्रोसेस है, किसका परसेंटेज कितना है। वो मुझे पता था, जितना मुझे पता था वो मैंने बता दिया, बट प्रूफ चाहिए, प्रूफ इज इम्पोर्टेंट। ओके, अगर कुछ है तो गलत मैंने बोला तो देख लेंगे वहां पे जाके, मतलब क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन फीस कितना होता है, तो हाउ मेनी लाइक स्टूडेंट्स जनरली लाइक गेट कॉल फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूट फॉर द रिटन टेस्ट। ओके, सो देर आर सो मेनी थिंग्स वी शुड नो, ओके, सो दैट वी कैन गेट सम क्लैरिटी। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लैरिटी चाहिए भाई। तो बात ये है, क्लैरिटी चाहिए, कितना स्टूडेंट को वो लोग बुलाता है, ठीक है, फॉर रिटन टेस्ट, देन शॉर्ट लिस्टिंग, जो क्राइटेरिया है, वो सारी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 10-15 सीट है, सोचो कितना, 15 सीट है शायद, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंपटीशन इज लाइक देयर, कंपटीशन इज ह्यूज। तो वही चीज एक बार देख लेना चाहिए मेरे हिसाब से, उसके बारे में बात करूंगा। अगर डिटेल्स जानना है तो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद मी, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिए। ओके, तो ये है, मैं दिखाना चाहता हूँ, ये है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस डिपार्टमेंट। ओके, और एक चीज में बताना चाहता हूँ आईआईटी मांडी के बारे में। ओके, मांडी के बारे में तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मांडी ना बहुत ही प्यारा सा कैंपस है, आई लव इट। देखो यहाँ पे ना जो एडमिशन चालू हुआ है वो एमबीए क्या, जो दो प्रोग्राम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एमटेक एमटेक रिसर्च, इसका भी ऑलरेडी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। बट जो एमए प्रोग्राम है उसका अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, वो दैट इज द फैक्ट। बट मैं वही बताना चाहता हूँ यहाँ का, इधर इधर अगर ढूंढना है तो ये स्कूल है, यहाँ पे सर्च करना चाहिए। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग चीजें, बट स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर ये अगर क्लिक करोगे ना तो ये मिलेगा ऑप्शन, ये है डोमेन और डिपार्टमेंट, ये है स्कूल है। अगर ये चीज देखो, अगस्त लास्ट तक ये इंफॉर्मेशन था अगस्त का, ठीक है, ये अगस्त का 2020 का लिस्ट है। तो लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर एमए डेवलपमेंट स्टडीज इन द स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस फॉर सेमेस्टर कमेंसिंग अगस्त। अगस्त में जो क्लास स्टार्ट होने वाला था उसका लिस्ट था, उसी लिस्ट को हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए, ये सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ओके, ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इससे पता चलता है ओके कितना मार्क्स किसके लिए है। देखो
ये देखो, मैं ये एक चीज बताना चाहता हूँ, कितना फ्लक्चुएट करता है ये सारे चीज हर साल। ओके, स्टूडेंट को, जितना भी स्टूडेंट है, सबको ये पता होना चाहिए इसके बारे में। कुछ फिक्स नहीं है आईआईटी में, कुछ फिक्स नहीं है, क्वेश्चन पैटर्न फिक्स नहीं है, ये हर साल चेंज होता है। मैं वही प्रूफ दिखाने वाला हूँ, ठीक है? ये देखो, रिटन टेस्ट में इन लोगों ने कितना मार्क्स दिया है, 50 50 मार्क्स, और इंटरव्यू में कितना मार्क्स है, 50 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स, ठीक है? तो रिटन टेस्ट शेड्यूल हुआ था कब, ये 4th जून। देखो 4th जून, अब कितना देर है, अभी तो अप्रैल चल रहा है, तो 4th जून बहुत टाइम है। अप्रैल, लाइक यू कैन वेट फॉर 5 और 10 डेज। ओके ओके, तो आई थिंक दे विल पब्लिश द नोटिफिकेशन, तो 9 से 9:30 से 12 तक, ओके, वो रिटन टेस्ट, दे विल कंडक्ट द रिटन टेस्ट। उसके बाद इंटरव्यू शेड्यूल होगा 5th, माने मतलब क्या है, नेक्स्ट दिन। तो यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू टेक, यू हैव टू स्टे देयर, एंड देन दे विल कंडक्ट दिस टू थिंग्स, रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ओके, आई शुड विजिट दैट प्लेस। नेक्स्ट दिन ये इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? बात ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है? चलो कोई नहीं, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देखो, 50% फॉर रिटन टेस्ट, 50% फॉर इंटरव्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात देखो, बात क्या है, ये देखो इंट्रैक्शन जो भी है, बट ये चीज मैं दिखाना चाहता था। देखो ये जो बात है ना, देखो कितना स्टूडेंट की इन लोगों ने बुलाया था फॉर रिटन टेस्ट, फॉर अपियर एडमिशन टेस्ट। देखो एडमिशन टेस्ट के लिए ये सीरियल नंबर, नंबर ऑफ स्टूडेंट, देखो अगर ये सीरियल नंबर देखोगे ना, देखो तो 100 150, 200, मोर देन 200, कितना है, ओ माय गॉड, 285। ओके, नियर अबाउट 300 पीपल। ओके, तो देखो सीट कितना है, 10 से 15 सीट है, ठीक है? वी कैन चेक ऑल्सो दैट, राइट? आई विल शो दिस, एक सेकेंड। ये पीपल है, ये एम ए स्कॉलर है, पार्ट टाइम स्टूडेंट है, एम ए स्कॉलर, पीएचडी स्कॉलर, पार्ट टाइम पीएचडी स्टूडेंट स्कॉलर स्कॉलर भी है। देखो ये चेक कर लेना चाहिए, ये है एम ए स्टूडेंट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर फॉर दिस बैच, वी कैन चेक दिस। ये देखो बैच 21 का है, एम ए प्रोग्राम का बैच ये 21 का है, और ये 22 का है, 1 2 3 4, ये 5, ये 6 7 8 9 10 11 12, 12 सीट है। तो देखो 12 सीट के लिए, हाँ 12 सीट के लिए दे कॉल्ड हाउ मेनी स्टूडेंट, नियर अबाउट 300 स्टूडेंट। सो कंपिटिशन इतना है, तो वी हैव टू प्रिपेयर वेरी वेल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 से 12 सीट है, एंड फॉर दैट सीट यू हैव टू कंपीट विथ 300 स्टूडेंट। ओके, नियर अबाउट 300 स्टूडेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अच्छा से प्रिपरेशन लेना चाहिए, अच्छा से इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन लेना चाहिए, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईआईटी में एक सीट बहुत ही कीमती होता है। तो ये जो एनालिसिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज मैं बताना चाहता था, वो क्या है, वो है सब कुछ फिक्स नहीं है, वो भी मैं दिखाना चाहता हूँ। देखो ये जो चीज है यहाँ पे, इन लोगों ने बताया है, ये जो प्रीवियस मतलब फर्स्ट टाइम जब स्टार्ट हुआ था ये एडमिशन प्रोसेस के बारे में इन लोगों ने यहाँ पे क्लियरली बताया है, ये जो प्रोसेस है इसके बारे में इन लोगों ने बताया। देखो यहाँ पे 60% वेटेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इट मीन्स दैट ये रिटेन टेस्ट जो होगा ना, इसके लिए इन लोगों ने 60% अलॉट किया था। तो जब फर्स्ट टाइम इन लोगों ने एडमिशन लिया था, तो उसके लिए इन लोगों ने कितना परसेंट दिया था, 60%, 40% फॉर इंटरव्यू। ओके, तो ये जो इंटरव्यू के लिए 40% है, ओके, और रिटन टेस्ट के लिए 60%, ये होता था कंपोनेंट। बट लास्ट ईयर 2022 में उन लोगों ने क्या किया, 2022 में उन लोगों ने इसको 50-50 में बांट दिया, ठीक है? 50-50 में बांट दिया। देखो यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन है, रिटन टेस्ट फॉर 50 मार्क्स एंड इंटरव्यू 50 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स मिला के दे विल प्रिपेयर दैट सीट। ओके, फाइनल लिस्ट। तो
तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन्फॉर्मेशन मेरे लिए, एंड आई थिंक दिस इन्फॉर्मेशन विल हेल्प यू लॉट। आई थिंक अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, और ये सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, अभी तो कुछ नहीं है, एप्लीकेशन यू विल गेट आफ्टर फ्यू डेज, अभी तो नहीं निकला है। तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, तो आई हैव मेड दिस वीडियो। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, वंदे मातरम।